नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। जी मैम, पर्चे बताइए। मेरा नाम ये तो सचदेवा है, मैं 1920 की है, हमारा बनारस। क्या कहेंगे मैम, कितने दिनों से समाज सेवा कर रही हैं, लोगों को बीच जाके बांट रही हैं? अब जो हमसे हो पा रहा है वो थोड़ा बहुत, जैसे कि हैं भैया हमसे जो थोड़ा बहुत बन जा रहा है कि हम लोगों की अगर मदद कर सकते हैं तो, जो भूखे हैं उनको, बच्चे हैं जैसे छोटे हैं, बड़े हैं, उसमें जो बहुत लोग काम काज नहीं है, नहीं कमा पा रहे हैं, छोटे छोटे गरीब बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उन लोगों को तो खाना पहुंचाने का व्यवस्था किया जा रहा है। क्या कहेंगे मैम, जिला प्रशासन का आदेश है कि बगैर प्रशासन को आपको बांटना नहीं है, क्या प्रशासन को लेकर के आपने बांटी है? हाँ, जैसे कि अभी मेरे साथ जो आए थे, मतलब कि मैंने उनसे इजाज़त ली है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे बताया, एरिया बताया कि आप इस एरिया में जाके आप बांट सकती हैं, तो मैंने अपने इस एरिया में आई हूँ बांटने के लिए। इसी तरह मैम आगे भी बांटती रहेंगी, बस कुछ ही दिनों के लिए? अगर जहाँ तक हो सकता है, अगर मुझसे कुछ बन पड़ेगा, जहाँ से भी अगर मुझे लगता है कि मैं, मेरी मदद हो सकती है, वहाँ तक मैं कर पाऊँ तो वहाँ तक करूँ। जो कोरोना का लेकर के महामारी बढ़ती जा रही है, दिनों दिन देखा जाए भारत की जो स्थिति बनी है, उस पर क्या कहेंगी जनता से? जनता तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है और सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात पा सकें, और जितना है कि लोगों को अंदर ही थोड़ा सा जो रूल बने हैं उनको फॉलो करते रहें, डिस्टेंस बना के रहें और सैनिटाइजर वगैरह का यूज़ करें, हैंड वॉश अपना बार बार करें, कहीं बाहर से भी आते हैं तो अपना हाथों को अच्छे से मुँह को फेस को धोएं, अपने फेस पे बार बार हाथों को ना लगाएं, तो इससे क्या है कि ये जो बीमारी है बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि इसका कोई और ज़्यादा इलाज है ही नहीं। आपका डिस्टेंस ही, आपके खुद की जो जिम्मेदारियाँ उनको निभाते हुए आप इसको आप कर सकते हैं।